इस समय आप लोगों का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग अभी नहीं आए हैं, जो लापरवाही कर रहे हैं, मैं उनको भी कल से वो भी आपको सक्रिय दिखेंगे सर। ये अजय शर्मा जी, आप कल्चर का लेना डॉक्टर साहब के साथ में, कि वो सब मेरे से मीटिंग हो जा सकती है। और अपने को जो भी जहाँ भी जाए, अपने को बच्चे की तरह पेशेंट को देखना है और सैंपलिंग वही करानी है मौके पर यथासंभव। कई बार क्या होता है, सैंपलिंग के लिए अपन अस्पताल ले जा रहे हैं, कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस अर्जित करना है। शुरू में गए लोग अपने ले गए, क्वारंटाइन सेंटर में ले गए अपन और वहां सैंपलिंग कराई, पर अपने को विश्वास हासिल करें, घर पे रहकर सैंपलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्या हो रहा है कि अगर 100 सैंपलिंग हो रही है तो 10-15 निकल रहे हैं पॉजिटिव, 80-90 निगेटिव निकल रहे हैं, तो अपन 10 जगह सैंपलिंग कराएंगे तो एक दो जगह निकलेंगे पॉजिटिव। बाकी सिंपल है, उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो साथ में दे दो। आप लोगों की दवाइयाँ रहती होंगी आपके पास, तो सिम्टम नहीं है, दवाइयाँ नहीं है क्या? पीछे से आप बोल रहे हैं ना, क्या डॉक्टर हैं आप? पैरामेडिकल। तो आप लोग दवाइयाँ जरूर लेके जाओ। सी एम एच ओ सर दवाइयाँ नहीं दे रहे उनको क्या? सर फार्मासिस्ट लगा रखे हैं, उनको बोला है कि दवाइयाँ लेके जाओ, वो ये लिखते हैं दवाइयाँ तो वो देते हैं। यार इन्हीं को दे दो ना, किट लेके पीछे जो पैरामेडिक चल रहा है, किट लेके चलता रहा है। ठीक सर, इन्हीं को दे, इसको लगाया उसको लगाया, इसी से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। इन्हीं को दे दीजिए आप, तो किट इनको ही दो। फार्मासिस्ट को बोलो किट सबके पास रहना चाहिए। फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी ये है कि इंश्योर करें कि सब में दवाई रहे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की दवाई तत्काल दो आप, क्योंकि इनको बैठने के लिए और रहने के लिए जगह कम है यहाँ पर। आप लोग देख लीजिए जहाँ जहाँ आप लोग एरिया डिसाइड, इनको तो कैसे करोगे एरिया डिसाइड? वो तो एसडीएम वाले लोग ही फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मोबाइल टीम्स हैं, ये स्पेयर में मोबाइल टीम्स हैं जो कहीं भी जा सकती हैं एज पर रिक्वायरमेंट। इसलिए इनको तो यहीं आसपास देख लो ना, क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम बैठेंगे कहाँ यहाँ पर। अजय ये आसपास सामने देखो, एन टी रूम की जगह हो, होटल वोटल देखो, कुछ ऐसे कोई कैंपस हो कोई खुला, जो अंदर ऑफिस भी हो, गाड़ी भी खड़ी हो जाएगी। आराम है, आराम और ये दोनों तीन, तो वो कर लो। हम एक आध होटल कर देते ताकि वहाँ बैठ सको अंदर। है जहाँ भी है ये, और मोबाइल बंद है तो घर का एड्रेस लो, जेल अधीक्षक को बोलो वहाँ है कि नहीं है। अगर जेल अधीक्षक के पास नहीं है तो मतलब ये ड्यूटी में लापरवाही कर रहा है ये, और डीजे साहब से मैं बात कर लूँगा, इसको पेश कराओ जरा मेरे सामने। इसको मतलब अगर बुला रहे हैं जेल अधीक्षक तो रोज टेस्ट मेरे से, ऐसा क्या हो गया कि घंटे 10 मिनट के लिए बुला रहे हैं तो आ नहीं सकते ये? और ठीक है, किचन के लिए दूसरी ड्यूटी लगा देंगे अपन वहाँ पर, रोक नहीं गए। डीजे साहब ने डॉक्टर लगाने का बोला होगा, डॉक्टर लगाएंगे वहाँ पर, इनके चेंज करो जरा वहाँ से।